Hello students, today we will start with the 10th chapter of mathematics class 6, that is ratio and proportion. हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ratio क्या है and proportion क्या है. पहले हम ratio के बारे में पढ़ेंगे. तो ratio क्या होता है, जब हम दो quantities को compare करते हैं जो same kind की होती हैं. Same kind means उनका magnitude same है. For example, अगर वो meter में है एक quantity तो दूसरी भी meters में होनी चाहिए. एक क्वांटिटी आपकी किलोग्राम में है तो दूसरी भी आपकी किलोग्राम में होनी चाहिए. सिंबल होता है रेशियो का ये. फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है 3:1. आप इसको रीड करें कैसे करेंगे, 3:1. और रेशियो जो होती है वो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. अब हम एग्जांपल देखें कि आपके नंबर ऑफ बॉयज 20 हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स 40 हैं. तो रेशियो अगर आपको नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स, अगर आपको रेशियो निकालनी है नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स, तो पहले आपको नंबर ऑफ बॉयज बोला हुआ है तो ऊपर आप नंबर ऑफ बॉयज लिखेंगे और नीचे आप लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स. तो नंबर ऑफ बॉयज इज 20 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 40. लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगी फ्रैक्शंस में. जैसे हमने किया था 10 से 10 कैंसिल, 2/4, 2 1 2, 2 2 4, देन इट बिकम्स 1/2. और फिर आप इसको रेशियो की फॉर्म में लिख देंगे तो रेशियो हो गई इसकी 1:2. नाउ सेकेंड थिंग इज इक्विवेलेंट रेशियो क्या होती है. सेम जैसे हमने फ्रैक्शन में किया था कि हमें 3:2 के इक्विवेलेंट रेशियोज निकालनी है, 3 इक्विवेलेंट रेशियो. तो उसको फ्रैक्शन में फॉर्म में लिखा 3/2. तो फर्स्ट इक्विवेलेंट निकालने के लिए दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6/4. देन 3 से किया तो आपका आया 9/6. देन आपने 4 से किया तो आपका आंसर आया 12/8. तो 3:2 की जो इक्विवेलेंट रेशियोज आ गई वो आ गई 6:4, 9:6 एंड 12:8. अब रेशियो फ्रैक्शन में ये डिफरेंस होता है, जैसे कि आपकी हम फ्रैक्शन की बात करें तो हमारी फ्रैक्शन हम जनरली लिखते हैं 1/5, इट मीन्स 5 में से 1 पार्ट. लेकिन रेशियो में क्या होता है, रेशियो में क्या होता है कि 5 है उसके हमने पार्ट कर दिए कि 3 पार्ट आपके एक फ्रेंड को मिले और 2 पार्ट्स आपको मिले. तो इसका जो सम होगा फ्रैक्शन में आता है, लेकिन रेशियो में क्या आता है, एक फर्स्ट पर्सन को कितना पार्ट मिला और सेकंड पर्सन को कितना पार्ट मिला, जितना हमने टू पार्ट्स में डिवाइड करा वो क्या आता है आपका रेशियो में. अगर इसका एग्जांपल देखें तो जैसे हमें 40 रुपीज़ को रेशियो में डिवाइड करना है तो अगर मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, रेशियो का सम करना पड़ेगा. तो सम ऑफ रेशियोज होता है 3+2, दैट इज इक्वल टू 5. तो 40 का फर्स्ट पार्ट क्या होगा, न्यूमरेटर में 3, डिनोमिनेटर में जो सम था 3+2 दैट इज 5, किसका करना है आपने 40 का. तो 40 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 से, 5 1 5, 5 8 40, 8 3 24. तो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका 24. सिमिलरली सेकेंड पार्ट के लिए 40 का आप क्या करेंगे, 2 / 5, 5 1 5, 5 8 40 एंड 8 2 16. तो फर्स्ट पार्ट में आगे 40 रुपीज़ को जब आपने दो पार्ट्स में 3:2 रेशियो में डिवाइड किया, फर्स्ट आ गया रुपीज़ 24, सेकेंड आ गया 16. अब आपको चेक करने के लिए अगर आप इन दोनों का सम करोगे तो आपका 40 आना चाहिए. तो हमने जब 24 और 16 को ऐड किया तो मेरा आंसर आया 40. नाउ नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ रेशियोज. 4:9 और 3:5 को कंपेयर करना है. तो 4:9 को आप लिखा 4/9, 3:5 को लिखा आपने 3/5. फिर सिमिलरली हम फ्रैक्शंस की तरह करेंगे, दोनों को लाइक बनाएंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे. एलसीएम लिया 9 और 5 का, 45 आया. दोनों का एलसीएम 45 बनाना है तो 9 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 आता है. तो न्यूमरेटर को भी 5 से कर दिया, दैट 20/45. 5 को 9 से करते हैं तो 45 आता है. तो न्यूमरेटर में भी 9 से कर दिया, दैट इज 27/45. अब आपका 20/45 27/45 से लेस है, इट मीन्स आपकी 4:9 इज लेस देन 3:5. नाउ लुक एट एक्सरसाइज 10.1. क्वेश्चन 1 है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. आपको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है. आप 12 के टेबल से काटेंगे तो 12 7 144, और 12 को जब आप 144 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 12. तो आपका आंसर आ गया 12/7. अब ये दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसकी रेशियो हो गई आपकी 12:7. अब आपने नेक्स्ट है कि आपने 0.12 एंड 180 ग्राम का रेशियो करना है. लेकिन आपको ये देखना है कि रेशियो करने के लिए हमने बात की थी कि दोनों सेम मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, सेम क्वांटिटी के होने चाहिए. लेकिन ये किलोग्राम में है, ये ग्राम में है. तो या तो आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो या इसको ग्राम में. तो मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट कर रही हूँ. 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं तो 0.12 kg में कितने होंगे, 0.12 मल्टीप्लाई बाय 1000.
पॉइंट हटाया, डेसिमल हटाया, तो पॉइंट के बाद टू प्लेसेस हैं, तो नीचे 100 आ गया. 20 से 20 कैंसिल, 12 × 10 120 ग्राम. तो 0.12 kg मींस 120 ग्राम. अब रेशियो निकालनी है, तो 0.12 kg पहले है, तो ऊपर आपका 120 ग्राम और नीचे 180 ग्राम. अभी ग्राम से ग्राम कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, क्या रह गया 12/8. अब 6 की टेबल में कट करेंगे, 6 × 12, 6 × 3 = 18. आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 2/3, इट मींस आपकी रेशियो हो गई 2:3. सिमिलरली आप इसका थर्ड पार्ट करेंगे. हम फोर्थ पार्ट देख रहे हैं. मनीष प्रिपेयर्स अ स्वीट डिश विच नीड्स 18 कप्स ऑफ मिल्क एंड 3 कप्स ऑफ शुगर. ही हैज 36 कप्स ऑफ मिल्क, हाउ मैनी कप्स ऑफ शुगर डज ही नीड. इन्होंने बोला कि अगर मनीष एक स्वीट डिश बना रहा है, तो 18 कप्स अगर आपके पास मिल्क है, तो उसके लिए 3 कप्स ऑफ शुगर आपके पास होना चाहिए. लेकिन मनीष के पास 36 कप्स हैं मिल्क के, तो शुगर के कितने कप्स होने चाहिए ये हमें निकालना है. तो हमने लेट कर लिया कि शुगर के कप्स कितने होने चाहिए, एक्स. तो ऊपर मिल्क आएगा और नीचे शुगर हमने करा है, तो 18 होने चाहिए जब कप्स, तो शुगर होनी चाहिए आपके पास 3. और अगर आपके पास 36 कप्स हैं, तो हमने शुगर लेट करी है आपकी एक्स. अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे. कंपेयर कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से. 18/3 = 36/x. ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया 18 × x, और इधर आके ये हो गया 36 × 3. 18 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो गया. 18 × 1 = 18, 18 × 2 = 36, 2 × 3 = 6. तो आपका x आ गया 6. इट मींस अगर आपके पास 36 मिल्क के कप्स हैं, तो आपके पास 6 कप्स ऑफ शुगर होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखें, तो हमें इसको कंपेयर करना है. तो 3 को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया कि 9 आता है 3 से. इट मींस मैंने डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 × 3 = 21. तो यहाँ पे आ गया आपका बॉक्स. अब 2:3 है, इसको मैंने 2/3 लिख दिया. 8 × बॉक्स को मैंने 8/बॉक्स लिख दिया. 2 को 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो 8 आता है. सिमिलरली 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आया 12. नाउ थर्ड क्वेश्चन है आपका, राइट द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट है 60 पैसा to ₹2. एक पैसा में है, एक रुपीज़ में है. हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे. मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूँ 1 रुपी में 100 पैसा, तो 2 रुपीज़ में 200 पैसा. रेशियो में ये पहले दे रखा है, तो 60 पैसा ऊपर, 200 पैसा नीचे. 65 पैसा कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, क्या रह गया 66/20. तो 2 × 3 = 6, 2 × 10 = 20. आपका आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में 3/10. तो आपकी रेशियो हो गई 3:10. सिमिलरली अगर आप सेकेंड पार्ट देखें, तो 2 mm to 1 cm. ये मिलीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है. सबसे पहले मैंने कन्वर्ट करा, मैं इसको कर रही हूँ. 1 cm में हमारे 10 mm होते हैं. तो रेशियो निकालने के लिए 2 mm अपॉन में इसका कन्वर्ट करके आया 10 mm. मिलीमीटर टू मिलीमीटर कैंसिल, 2/10, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10. सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 1/5. तो रेशियो हो गई आपकी 1:5. थर्ड क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स आप लोग खुद ट्राई करेंगे. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड 2 equivalent ratio 1:2. 1:2 को फ्रैक्शन में लिखा 1/2. 2 equivalent ratios निकालनी है. 2 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो आपकी रेशियो आ गई 2/4. 3 से करा, तो आपकी आ गई 3/6. तो 1:2 की इक्विवेलेंट रेशियो क्या आ गई, 2:4 एंड 3:6. सिमिलरली आप इसका नेक्स्ट पार्ट ट्राई करेंगे. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5. हमें बताना है कि कौन सी रेशियो लार्जर है, मतलब हमें कंपेयर करना है 3:4 और 9:16. तो मैंने क्या करा, पहले दोनों का डिनोमिनेटर, इसको फ्रैक्शन में लिख दिया, इसको फ्रैक्शन में. 4 और 16 का मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आया 16. अब मुझे दोनों का डिनोमिनेटर 16 बनाना है. ये तो 16 है ऑलरेडी, इसका बनाने के लिए 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 16 आए, 4 से. देन 4 × 4 = 16, 3 × 4 = 12. तो ये बन गया आपका 12/16, और ये था आपका 9/16. तो 12 आपका 9 से बड़ा है, इट मीन्स 12/16 इज ग्रेटर देन 9/16. इट मीन्स 3:4 इज ग्रेटर देन 9:16. दूसरा मेथड है आपका क्रॉस मल्टीप्लाई. आप क्रॉस मल्टीप्लाई से भी इसको कर सकते हो. अगर मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊं, तो 3/4 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर 9/16 से, तो आपने क्या करना है, 16 आपका इधर आके मल्टीप्लाई हो गया और 9 आपका इधर आके मल्टीप्लाई हो गया. तो 9 × 4 = 36 और 16 × 3 आपका क्या होता है 48. तो आपको पता है कि 48 आपका 36 से ग्रेटर है. इट मींस 3/4 इज ग्रेटर देन 9/16. तो हम क्या बोल सकते हैं, 3:4 इज ग्रेटर देन 9:16. तो चाहे आप इस मेथड से करें या इस मेथड से करें, आपका आंसर दोनों से सेम आएगा. क्वेश्चन नंबर 6 देखें. तो एक स्कूल ने 15 क्रिकेट मैचेस प्ले किए, जिसमें से 9 मैचेस वो जीत गए.
तो अगर टोटल मैचेस 15 थे, 9 मैचेस वो जीते, तो लूज कितने करे, हारे कितने, वो 6 मैचेस। अब फर्स्ट था कि आपने रेशियो निकालनी है नंबर ऑफ मैचेस प्लेड टू द नंबर ऑफ मैचेस लॉस्ट, मतलब ऊपर आपका जितने मैचेस उन्होंने प्ले किए, नीचे आपने जितने उन्होंने लूज किए। तो मैचेस टोटल प्ले कितने किए, 15, और लूज किए 6। देन आपकी रेशियो हो जाएगी नंबर ऑफ मैचेस प्लेड टू अपॉन में नंबर ऑफ मैचेस लॉस्ट, 15 अपॉन में 6। 3 to 6, 3 5 15, 5/2 आ गया, तो आपकी रेशियो हो गई 5:2। सिमिलरली इसके सेकेंड पार्ट में नंबर ऑफ मैचेस वॉन टू नंबर ऑफ मैचेस लॉस्ट, तो रेशियो हो गई मैचेस वॉन अपॉन में मैचेस लॉस्ट, वॉन मैचेस से 9 और लॉस्ट मैचेस से 6, तो 3 3 9, 3 2 6, 3/2, देन रेशियो आ गई 3:2। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें, डिवाइड 1 month प्रॉफिट ऑफ ₹10,000 बिटवीन रमेश एंड रवि इन रेशियो ऑफ 1:4। एक मंथ का प्रॉफिट आया 10,000, आपने इसको रमेश और रवि में डिवाइड करना है, और आपकी रेशियो दे रखी है 1:4। तो सबसे पहले हम सम करेंगे रेशियोज का, 1 + 4 आ गया 5, तो रमेश का शेयर क्या होगा, रमेश पहले लिखा हुआ है, इट मीन्स रमेश का शेयर 1 और रवि का शेयर में आपका आएगा 4। तो 10,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई टोटल, दैट इज 5, 5 to 10, और ये 3 zeros एज इट इज, 2,000 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ₹2,000 शेयर आ गया रमेश का। रवि का निकालने के लिए 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4/5, 5 × 5, 5 to 10, और ये 3 zeros आपकी एज इट इज आ गई, तो 2 × 4 = 8, और ये 3 zeros एज इट इज, तो आपका रवि का शेयर आ गया 8,000। अब आप 2,000 और 8,000 को ऐड करेंगे तो आपका क्या आ रहा है, 10,000, मीन्स आपका क्वेश्चन करेक्ट है। सिमिलरली 8th क्वेश्चन इसी की तरह है, आप लोग खुद करेंगे। सो दिस इज द कम्प्लीशन ऑफ एक्सरसाइज 10.1, वी विल स्टडी अबाउट द concept of proportion and the next exercises in the next video.